अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स बाय क्यूके गौरी, चैप्टर नंबर 5 की सीरीज, जैसा कि हमने कंटिन्यू की हुई है और इस सीरीज के फर्स्ट 3 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने पहले 3 लेक्चर कम्प्लीटली वॉच किए हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप फुली चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा फ्रिक्शन का है, आप इसको इंजॉय कर रहे होंगे। और अगर आपने पीछे से कोई लेक्चर मिस किया है तो पहले वो वॉच करें और फिर आप ये लेक्चर नंबर 4 वॉच करेंगे। डियर स्टूडेंट, उसी उम्मीद के साथ कि आप इन लेक्चर्स को फुली वॉच करेंगे, और अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया हुआ है, आप मुझे कोई भी क्यूरी हो तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। डियर स्टूडेंट, अगर ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आपको हेल्प मिल रही है तो आप किसी और को भी यहाँ से हेल्प लेने दें तो इसके लिए आपको इसका अजर मिलेगा। डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज आपका केस नंबर थ्री। डियर स्टूडेंट, टेक्निक वही होगी, मेथड वही होगा, हमारी सारी मेथडोलॉजी वही होगी, वर्ड के हेर फेर होंगे और इंशाल्लाह हम चुटकियों में इसको खेलते जाएंगे। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा केस नंबर 3 ये कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट फोर्स, कुछ नहीं हो मिला यहाँ पे नए, ये वही तो पी है जो हमने फाइंड किया था पहले भी। किसके लिए? ड्रैग करने के लिए, यस पहले भी ड्रैग किया था। किसको? पार्टिकल को, पहले भी पार्टिकल ही था, लेकिन एक वर्ड यहाँ पे चेंज हो गया, वो कौन सा है? पहले आपने इस पार्टिकल को, इस ब्लॉक को अपवर्ड ड्रैग करना था, अब आपने डाउनवर्ड करना है। सिर्फ एक पॉइंट की चेंजिंग है डियर स्टूडेंट यहाँ पे, तो मुझे उम्मीद ये करनी चाहिए आपसे कि यहाँ मुझे कुछ ज्यादा जो है वो रॉकेट साइंस आपसे जो है वो शेयर नहीं, डिस्कस नहीं करनी पड़ेगी। चुटकियों में हम सिर्फ इस क्वेश्चन के साथ खेलेंगे। जी डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक फिगर ड्रा करते हैं, एक फिगर प्लाट करते हैं, जो कि मैंने आपको पिछले केस नंबर 2 में ड्रा करनी भी सिखाई थी कि जस्ट आपने इंक्लाइंड प्लेन लेना है, और मैंने कहा था कि ये कॉस साइन वाले चक्रों से आप में, इन चक्रों में आपने नहीं पढ़ना, जस्ट फिगर आपने इंक्लाइंड प्लेन ड्रा करना है। इंक्लाइंड प्लेन क्या है ये भी मैं पहले बता चुका हूँ। इसके ऊपर आपने एक मैस रख देना है। अब जस्ट इस मैस पे जब आपने रख दिया, आपकी फिगर ड्रा हो गई। इसके बाद आपने इसके ऊपर फोर्सेस को मेंशन करना है। तो फोर्सेस पहले की तरह वेट डाउनवर्ड, रिएक्शन अपवर्ड। देखें अब चेंज क्या हुआ, पहले आप फोर्स यहाँ अपवर्ड लगा रहे थे, फ्रिक्शन अपोजिट थी। लॉज ऑफ फ्रिक्शन हम पढ़ चुके हैं तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अब हमने क्या किया कि अब फोर्स हम डाउनवर्ड लगा रहे हैं तो क्या होगा, फ्रिक्शन अपवर्ड होगी। भाई ये तो हमने पढ़ा है कि हमारी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो डियर स्टूडेंट, 4 फोर्सेस को आपने मेंशन करना है, वेट, नॉर्मल रिएक्शन, अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जस्ट डियर स्टूडेंट, ये थ्योरी मेंशन है, आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। किसी पॉइंट की समझ ना आए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और एक और पॉइंट जो मैंने आज आपसे डिस्कस करना था, एक और बात कि आपको फिजिक्स के रिलेटेड, चाहे आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, FSC के, BSc के या MSc के, आपको फिजिक्स का कोई टॉपिक जो कि मुश्किल लग रहा है और आपको उसका वीडियो लेक्चर इन डिटेल चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी फरमाइश के मुताबिक भी लेक्चर जो है वो बनवा सकते हैं, तो मैं वो लेक्चर अपलोड कर दूंगा। ये डियर स्टूडेंट, तो अब आपने क्या किया, 4 फोर्सेस आपने इस सारी डायग्राम में, सिर्फ 4 फोर्सेस आपने ड्रा करनी है।
जब चार फोर्सेस ड्रा हो गई तो अब चूंकि ये हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हम क्या करेंगे भाई, फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे बस। लेकिन यहाँ पे आपको फिर कंफ्यूजन ये होता है भाई, ये एम जी साइन अल्फा कहाँ से आ गया, एम जी कॉज अल्फा कहाँ से आ गया, तो ये कुछ बातें हैं। इसके लिए मैंने आपको मेथड एंगल्स वाला बता रखा है, अब भी राइट करवा दूंगा, परेशान नहीं होना। देखें अब आप डायरेक्टली अगर ये करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि वेट के हमने दो कंपोनेंट ड्रा किए हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब चूंकि ये साइन वाला ये कंपोनेंट खड़ा है तो आप इसको लेट्स सपोज यहाँ से मिला दें तो इसके पैरेलल ये बन रहा है, तो ये एम जी साइन अल्फा, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, नहीं तो एंगल वाले फार्मूले चुटकियों से निकाल लेंगे। देखें डियर स्टूडेंट, पहले मैं आपको बैलेंस करने वाले फार्मूले से बता देता हूँ और फिर एंगल वाला। देखें पहले हम हॉरिजेंटल जो आपके पास जितनी फोर्सेज हैं उनको बैलेंस करेंगे। देखें म्यू आर अपवर्ड है और ये पी कॉस थीटा अलोंग प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन पी कॉस थीटा, और एम जी साइन अल्फा भी इधर है। इसका मतलब है दो फोर्सेस डाउनवर्ड हैं, एक अपवर्ड है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब होगा जब ये बैलेंस होंगे। हमने एक को पॉजिटिव ले लिया, ये देखें म्यू आर को पॉजिटिव लिया, दोनों को नेगेटिव लिया, उधर जाके दोनों प्लस हो गए। ठीक है, अब नीचे वाले पे आ जाए तो आपके पास ऊपर कौन सी फोर्सेज लग रही है डियर स्टूडेंट, एक पी का साइन कंपोनेंट ऊपर लग रहा है, एक रिएक्शनल फोर्स ऊपर है, और नीचे कौन सी फोर्स है जो बैलेंस कर रही है डियर स्टूडेंट, वो है एम जी कॉज अल्फा। तो आपने इसके साथ बैलेंस कर दिया, इन दोनों को अगर प्लस लिखा है तो इसको माइनस लिखेंगे, उधर जाके प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं जी एंगल से करना है तो कोई मसला नहीं है, आप एक दफा कॉज के साथ लिखेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक दफा आप साइन के साथ लिखेंगे वर्टिकल कंपोनेंट। जी डियर स्टूडेंट, अब अगर आप पहले कॉज के साथ लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, म्यू आर चूंकि इन द डायरेक्शन ऑफ प्लेन है तो म्यू आर कॉज जीरो, म्यू आर कॉज जीरो, आर कॉज 90 क्योंकि नॉर्मल हमेशा 90 पे होता है। यहाँ पे आ जाए पी, पी कॉज 180, पी क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, पी कॉज 180। लेकिन याद रखना है कि ये पी कॉज थीटा है, तो आप एक तो ये सिंपल ये ले लें पी कॉज 180 कर दे, उससे भी चल जाएगा। और आगे आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट, फिर आपने नीचे ओमेगा पे आना है जो आपका वर्क डन है डब्ल्यू, डब्ल्यू पे क्या होगा, डब्ल्यू आप डब्ल्यू कॉज 270 माइनस अल्फा जैसे आपने पहले किया था, और सेम आपने, और सॉरी यहाँ पे एक पॉइंट मिस्टेक हो रही है मेरे से कि ये टोटल तो है 180, लेकिन चूंकि ये टोटल 180 है लेकिन चूंकि यहाँ एंगल थीटा बन रहा है तो जब आपने पी लिखना है तो आपने यहाँ पे लिखना है पी कॉज 180 माइनस थीटा। याद रखें पी कॉज 180 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल 180 है उसमें से थीटा निकालना पड़ेगा। तो ये कुरेक्शन कर लें, म्यू आर कॉज 0, आर कॉज 90, पी कॉज 180 माइनस थीटा, और डब्ल्यू कॉज 270 माइनस अल्फा, और नीचे सब में साइन लगा के फिर लिख देंगे आप। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही दो इक्वेशन आएंगी डियर स्टूडेंट जो आपके सामने मौजूद है। अब मैंने आपसे आपको क्या समझाया पिछले केस में भी कि हम आर को इलिमिनेट करते हैं, क्यों करते हैं ये भी आगे जब मोमेंट का केस आएगा तो वहां चल के हम ये भी देखेंगे। आर को इलिमिनेट करने के लिए आर की वैल्यू निकालनी है, टू से बन जाएगी क्वेश्चन थ्री, पुट कर देंगे वन में, जस्ट यहाँ पे कोई किसी किस्म की रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल आपने वैल्यू पुट की, अंदर आपने म्यू को यहाँ से मल्टीप्लाई करवा दिया, और अब ये जो म्यू है ये वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन में आपने प्रूव किया था इज इक्वल टू टेन लैम्डा होता है, तो आप यहाँ टेन लैम्डा पुट कर दीजिए। अब जब आपने टेन लैम्डा पुट कर दिया तो यहाँ एम जी कॉमन आ रहा है, एम जी कॉमन ले लें, फिर कॉज लैम्डा साइन ओवर कॉज में पुट करें, कॉज लैम्डा आपका एलसीएम, इधर से आपका पी कॉमन आ रहा है तो पी कॉमन ले लें। डियर स्टूडेंट यहाँ पे साइन इंटू लैम्डा माइनस अल्फा बना, यहाँ पी इंटू कॉज लैम्डा माइनस थीटा बना। आपने क्या फाइंड करना है, आपने तो ये फोर्स पी फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे कॉज लैम्डा माइनस थीटा को इधर डिवाइड कर देंगे। डियर स्टूडेंट जैसा कि आपसे ये कहा गया है कि आपने पी लीस्ट फोर्स करनी है, लीस्ट फोर्स फाइंड करनी है, लीस्ट फाइंड करनी है, लीस्ट कब होगी, कम से कम कब होगी, जब नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ये मैक्सिमम हो जाए, और ये सब मैक्सिमम कब होते हैं जब कॉज जीरो हो, और कॉस जीरो कब होगा जब लैम्डा इज इक्वल टू थीटा। तो ये एक यहाँ पे कंडीशन है, लैम्डा इज इक्वल टू थीटा होगा, कॉस जीरो होगा, और कॉस जीरो वन पुट करेंगे
तो आपके पास पी क्या आ जाएगा, एम जी साइन इंटू लैम्डा माइनस अल्फा। और याद रखेंगे आप कि आपके पास ये जो है इंक्लाइंड प्लेन है, जैसे मैंने पीछे भी ये डिस्कस किया था पहले केस नंबर 2 में, तो अभी यहाँ केस नंबर 3 में भी आप यहाँ ऐड करेंगे कि अगर यहाँ प्लेन हॉरिजेंटल होगा तो फिर क्या होगा, आपके पास यहाँ अल्फा 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एम जी साइन लैम्डा। ये बात आपने याद रखनी है, इनक्लाइंड के लिए ये है। और अगर आप पुट करेंगे जी यहाँ पे अल्फा 0 फॉर हॉरिजेंटल प्लेन, तो आपके पास पी लीस्ट का फार्मूला एम जी साइन लैम्डा आ जाएगा। याद करें पहले जो आपने आपके लिए किया था वहाँ पी एम जी पी जो लीस्ट आया था एम जी साइन इंटू लैम्डा प्लस अल्फा था, और अब क्या है माइनस अल्फा है। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक पॉइंट क्लियरली समझ आ गया होगा। अब आप नोट करेंगे कि अब वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे डिक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने बेसिक्स कर लिए हैं, तो आगे बस हमने अप्लाई करते जाना है जो अपने हमने पहले जो पॉइंट अपने बिल्डअप किए थे। तो यहाँ तक अपने इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। और अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो मैं बार बार आपको यही कहता हूँ कि कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप अपनी वहाँ पे सजेशन क्वेश्चन सब कुछ वहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो आप इन लेक्चर को वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।